ये है ब्रेक फ्लूट, ठीक है, ये है क्लच का फ्लूट, और ये गाड़ी है टर्बो, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर पूरे टर्बो की मोटर वगैरह लगी है, टर्बो यहाँ पर लगा हुआ, सॉरी टर्बो की मोटर नहीं, और वो है पंप वगैरह है पूरा। और ये गाड़ी सादी है तो इसमें एसी वगैरह नहीं है, ठीक है, ब्लोअर है खाली बस। ये अल्टरनेटर है, ये रेडिएटर अगर आप देख रहे होंगे तो, ठीक है, ये रेडिएटर का फ़ैन है। और एक और चीज़, जो गाड़ी में एसी नहीं रहता है ना, तो उसमें एसी का फ़ैन नहीं होता, जैसे कि अगर इसमें अगर एसी लगा हुआ होता तो यहाँ पर जो है रेडिएटर के फ्रंट में उसका फ़ैन आपको दिख जाता, ठीक है। ये है यहाँ पर एयर फिल्टर इंस्टॉल होता है, और यहाँ पर थोड़ी सी असेंबली है जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये देखिए पूरा टर्बो से आई है, ठीक है, ये वायर यहाँ से ऐसे घूमते हुए जो है वो यहाँ पर आए हुए। ये है डीजल फिल्टर, ये है वाइपर के कंट्रोल, और यहाँ अगर आप नीचे देख रहे होंगे तो ये इंजन ठिया बोलते हैं वैसे तो, जहाँ पर जिस पर इंजन जो बैठा हुआ रहता है, कसा हुआ रहता है। ये देखिए, मैं ये थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और नीचे में जो है वो टापर रहता है, और ये सादी गाड़ी है तो इसका ये हैंडब्रेक का ये वायर गया, जो कि अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये जो देख रहे हो ना, ये है फ्यूल, मतलब कि ये पंप से आकर फ्यूल जो है यहाँ पर जाता है, ठीक है, ये इंजन है इसमें फ्यूल जाता है। और नीचे है सेल्फ वगैरह, नीचे इंस्टॉल्ड है, बाकी और कुछ नहीं होता है सादी गाड़ी के इंजन में। और अगर पावर गाड़ी की अगर बात करें तो आपको इसमें दो तीन चीज़ें दिख जाएगी। एक होगा ये जो स्टेयरिंग है, यहाँ पर एक स्टेयरिंग का पंप रहता है पावर वाला, और वही एसी की थोड़ी सी जो इंस्टॉलेशन रहती है, बाकी कुछ भी इंजन में नहीं होता है। और ये इंजन जो है टर्बो वाला है,